वालेकुम प्यारा वारो उम्मीद है तां सभी ना पने घरन में ठीक हुंदा आई खुश हुंदा मां या मिसरा तने कुरेशी आज असन जे का लेक्चर है वो क्लास 3 जो सिंधी जो आहे जे में असा ता बारन के आउ संजय दस सिंधी अलिफ बे आई उर्दू जी अलिफ बे में छा फर्क आहे जे ता के खबर आ सिंधी जी अलिफ बे में 52 अक्षर हुंदा यानी 52 उनन अक्षर के पंजो साउंड आए पंजो प्रोनाउंस पंजो तलफज आहे ओढ़े नमूने उर्दू में जो है 38 अखर हैं जैमें बाकी जैसे अस बे अस नवा साउंड जी अगर उर्दू में असन चाहिए तो उनमें अस दो चश्मे वो है ठीक ही वो है जैसे अस उनके एड करना तो अस नवा साउंड जो उर्दू में असा मिलना जो तुम्हें समझाया थी जो सिंधी में भेभित ठीक भेभित है तो पर जैसे अस उर्दू में असूँ तो अस उर्दू की अलिफ बे में बे जो साउंड आहे कोन यानी लफ्ज आहे कोन उन साउंड ठाए ला सा बे जो बे हे लिखंदा आहियूं तो उन में असा बे उर्दू वाली ऐं उन सां गॾु उर्दू वाली हे जेका आहे उनखे मिलाए करे असां घ जो साउंड ठाहींदा आहियूं उन खां पोइ टे त उर्दू जी टे में ई फ़र्क़ु आहे टे ठूंठ जेका असांजे सिंधी में आहे पर जॾहिं असां उर्दू में उनखे लॻंदो असां उनखे टे ऐं हे खे मिलाए करे असां ठ जो आवाज़ु कढंदा आहियूं ओड़े नमूने फेर पीथो तो फ जो आवाज कढ़ने लाइ पे ऐं हे के असा मिलाए करे लिखंदा आहियूं छे छटी तो छह जो आवाज जो आहे वो जे ऐं हे के मिलाए करे असा लिखंदा आहियूं धाल धोबी धा जो आवाज जो आहे वो दाल ऐं हे के मिलाए करे असा लिखंदा आहियूं ढे ढेल ढे ढेल जो जो आवाज जो आहे वो उर्दू में असा ढ इन लिखंदा आहियूं रे माड़ी जो उर्दू जेका है वह अस अड़े नमूने से लिखा आयोजन हाँ उर्दू में जेका काफ जेका है वह अस उर्दू में जेका खे खट यानी खे लिखा आये उर्दू में काफ अस लिखा आये ठीक है जैसे अस खे जो आवाज लिख चाहिंदा उर्दू में तो उन काफ ठीक है उर्दू वो काफ जो है उनके हे से मिलाए कर लिखा आये ठीक है बेटा मुझे उम्मीद है तक यो समझ में अची वो हों तो हाँ तीन फेयर कॉपी से किताब में जे हिसाब से ही अलिफ बे लिखल है सिंधी ए उर्दू की अलिफ बे लिखंदा सुठे तरीके से सुठे नमूने से सुनी राइटिंग में लिखंदा तो जे तुम यो कम मुख्य मोकले छोड़ो कम चेक कराया अलाफिज़।